अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आरजू अंसारी आज की इस नई वीडियो में आप लोगों को तहज्जुद की दो रकात नमाज पढ़ के बताऊंगी, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। फर्ज नमाज के बाद अल्लाह को जो नमाज सबसे ज़्यादा पसंद है वो नमाज तहज्जुद की है। तहज्जुद की नमाज का वक्त आधी रात के बाद सोकर उठने से लेकर सुबह सादिक तक होता है, यानी कि इशा की नमाज के बाद आप एक नींद निकाल कर इसे पढ़ सकते हैं। वो एक नींद एक मिनट की भी हो सकती है या एक घंटे की, सिर्फ आपको एक नींद निकालनी है। लेकिन अगर आप सोने के बाद उठ ही नहीं पाते हैं तो बेहतर है कि इशा की नमाज अदा करते वक्त नमाज वित्र से पहले तहज्जुद की नमाज अदा कर लें तो तहज्जुद का सवाब मिल जाएगा। अगरचे वैसा सवाब ना होगा जो सोकर उठने के बाद नमाज पढ़ने से मिलेगा। तो आज की इस नई वीडियो में मैं आप लोगों को तहज्जुद की दो रकात नमाज पढ़ के बताऊंगी, वो भी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। सबसे पहले आप लोगों को वुजू कर लेना है और पाक साफ जगह पर मुसल्ला बिछा लेना है। सबसे पहले आप लोगों को नमाज पढ़ने के लिए नियत करनी है। नियत किस तरीके से करनी है मैं बताऊंगी। देखिए, जब आप लोग नियत करेंगे तो आपकी निगाह सजदे की जगह पर होनी चाहिए। जिस जगह पर सजदा किया जाता है वहाँ आपकी निगाह होनी चाहिए और आप लोगों को हाथ इस तरीके से छोड़ देना है। तो अब मैं आप लोगों को नियत करने से पहले बताती हूँ नियत किसे कहते हैं। तो नियत दिल के पुख्ते इरादे को कहते हैं, अगर आप जुबान से बोल लें तो बेहतर है, वरना कोई बात नहीं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को नमाज पढ़ के बताती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को नियत करनी है। नियत करती हूँ मैं दो रकात नमाज नफल तहज्जुद की वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इसे कहते हैं तकबीर तहरीमा। अब जब औरतें तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर बोलेंगी तो उनको अल्लाहु अकबर कहते हुए इस तरीके से हाथ उठाना है, कंधे और हथेली के बीच फासला होना चाहिए इस तरीके से, और हाथ सामने होने चाहिए इस तरीके से, और इसे हिजाब या दुपट्टे के अंदर कर लेना है इस तरीके से, अल्लाहु अकबर इस तरीके से। अब आप लोगों को सीने पर हाथ बांध लेना है, आपका बायां हाथ नीचे और दायां हाथ ऊपर इस तरीके से। अब इसे भी हिजाब या दुपट्टे के अंदर कर लेना है। अब आप लोगों को पहले सना पढ़ना है, मैं पढ़ के बताती हूँ। सुबहानक अल्लाहुम्मा وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك। अब आप लोगों को तौज़ु तस्मिया यानी कि औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ना है और सूरह फातिहा पढ़नी है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आमीन। अब आप लोगों को जो सूरा याद हो उसे आप लोगों को पढ़ लेना है, और जितनी सूरा आप पढ़ सकते हैं उतनी सूरा आप पढ़ें। मैं तब्बत यदा पढ़ रही हूँ। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग्ना अन्हु मालहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व मराअतहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हबलुम मिन मसद। अब आप लोगों को जितनी सूरा पढ़ना है आप उतनी पढ़ सकते हैं। अब आप लोगों को अल्लाहु अकबर बोलते हुए रुकू में जाना है। जब औरतें अल्लाहु अकबर बोलते हुए रुकू में जाएंगी तो उन्हें ज़्यादा नहीं झुकना है, सिर्फ इतना झुकना है कि आपका ये हथेली घुटने से टच हो जाए, बस इतना झुकना है, ज़्यादा नहीं झुकना है। अल्लाहु अकबर बोलते हुए रुकू में जाना है, अल्लाहु अकबर इस तरीके से।
अब आप लोगों को तीन बार पढ़ना है, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना लकल हम्द बोलते हुए रुकू से उठना है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना लकल हम्द, इसको बोलते हुए रुकू से उठ जाना है। अब आप लोगों को अल्लाह अकबर बोलते हुए सजदे में जाना है, अल्लाहु अकबर। आप लोग यहाँ बैठने का तरीका देख लें, किस तरीके से औरतों को बैठना है, अपने दोनों पैरों को इस तरीके से बिछा लेना है। अब आप लोगों को इस तरीके से पहले हाथ रखना है और ये आप लोगों को अपनी कोहनी इस तरीके से बिछा देनी है। और जब आप लोग सजदे में जाएंगे तो पहले आप लोगों का नाक टच होगा, उसके बाद पेशानी, और जब सजदे से उठेंगे तो पहले आप लोगों का पेशानी उठेगा, उसके बाद नाक। तो अल्लाह अकबर बोलते हुए सजदे में जाना है, अल्लाह अकबर। अब आप लोगों को तीन बार पढ़ना है, سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بولتے ہوئے سجدے سے اٹھنا ہے اللہ اکبر یاد رہے سجدہ دو بار کرنا ہے دوبارہ اللہ اکبر بولتے ہوئے سجدے میں جانا ہے اللہ اکبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى اب اللہ اکبر بولتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے اللہ اکبر آپ لوگوں کو دوبارہ سینے پر ہاتھ باندھ لینا ہے اب آپ لوگوں کو سنہ نہیں پڑھنا ہے اونلی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور جو سورہ یاد ہو اسے آپ پڑھ سکتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو پڑھ کے بتاتی ہوں الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اب آپ لوگوں کو جو سورہ یاد ہو اسے پڑھ لینا ہے میں والعصر پڑھ رہی ہوں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اب آپ لوگوں کو اللہ اکبر بولتے ہوئے رکوع میں جانا ہے اللہ اکبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمي الله لمن حمده ربنا لك الحمد اس کو بولتے ہوئے رکوع سے اٹھنا ہے اب اللہ اکبر بولتے ہوئے سجدے میں جانا ہے اللہ اکبر اب آپ لوگوں کو تین بار پڑھنا ہے سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر سجدة دو بار کرنا ہے اللہ اکبر بولتے ہوئے دوبارہ سجدے میں جائیں الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى اب اللہ اکبر بولتے ہوئے سجدے سے اٹھ جانا ہے الله أكبر اب آپ لوگوں کو کھڑے نہیں ہونا ہے اب آپ لوگوں کو بیٹھ جانا ہے اسے قاعدہ کہتے ہیں قاعدے میں آپ لوگوں کو بیٹھ جانا ہے اب آپ لوگوں کو التحیات پڑھنا ہے میں پڑھ کے بتاتی ہوں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا
वाला इबादिल्लाह الصالحين اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله। अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने अशहदु पे अपनी शहादत वाली उंगली उठाई और इल्लल्लाह पे गिरा दी, तो आप लोगों को भी इसी तरीके से करना है। अशहदु पे अपनी शहादत वाली उंगली उठानी है और इल्लल्लाह पे गिरा देनी है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इस तरीके से। अब आप लोगों को दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, मैं पढ़ के बताती हूँ। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। अब आप लोगों को दुआए मासूरा पढ़ना है। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अजाबन्नार। अब आप लोगों को पहले दाईं ओर सलाम फेरना है और उसके बाद बाईं ओर, और जब आप लोग सलाम फेरेंगे तो आपकी नज़र कंधे पर होनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो ये हो गई दो रकात नमाज तहज्जुद की मुकम्मल। इसी तरीके से आप अपनी नमाज मुकम्मल कर सकते हैं, दो दो रकात करके ही आपको टोटल 12 रकात पढ़ना है। आप 12 रकात नमाज पढ़ सकते हैं मगर 4 रकात की नियत नहीं कर सकते। दो दो रकात करके ही आप लोगों को अपनी नमाज तहज्जुद की मुकम्मल करनी है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को तरीका समझ में आया होगा और इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी जरूर हासिल हुई होगी। तो दिल से इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।